ऑफ सेग्रीगेशन में सेग्रीगेशन कहते हैं सेपरेशन को, मिडल ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन द एलील सेग्रीगेट्स फ्रॉम ईच अदर, जब गैमीट्स बनते हैं यानी जब हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं डिप्लॉइड सेल से, तो उस दौरान जो है वो जीन्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ये सब मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में होता है। मींस इसी वजह से हम ये जो इतनी ज़्यादा वैरायटी देखते हैं ये इसी वजह से है ह्यूमंस में और अदर स्पीशीज़ में, क्योंकि जो जीन्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के ताबे हैं कि वो किस तरीके से और कहाँ पर और किस गैमीट के साथ वो जो है फ्यूज़ करते हैं, फ्यूजन उसकी होती है। इसके एग्जांपल जो है हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किया हुआ था उसने क्या किया था कि एक ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब यह है कि जो आपको पता हो इसके जीनोटाइप का कि वो दोनों जो है वो दोनों पेरेंट्स उसके क्या थे राउंड थे, तो एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड प्लांट का जो है उसने एक ट्रू ब्रीडिंग रिंग कर्ड प्लांट जिसके जो है जो मटर के दाने थे वो ऐसे चिपटे हुए थे इनका क्रॉस करवाया। इन्होंने एक ही गैमीट बनाया, एक एक गैमीट जो है इनमें से एक ही तरह के गैमीट बनता है, तो इनका जो फर्स्ट जनरेशन आया उस पेरेंटल जनरेशन के जो क्रॉस हुआ इसका जो फर्स्ट जनरेशन आया, तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट थे उसने देखा कि वो सारे के सारे राउंड प्लांट थे। अब इससे जो है ये साबित नहीं हो रहा था कि वाकई ऐसे होता है या नहीं होता, जीन जो है उससे सेग्रीगेट करते हैं या नहीं करते, लेकिन उसने ऐसे कर दिया कि जो F1 जनरेशन था इसका आपस में क्रॉस करवाया और जब F1 जनरेशन के प्लांट्स का F1 जनरेशन से क्रॉस हुआ तो इसने जो है वो क्या कर दिया, इस डिप्लॉइड सेल ने दो तरह के गैमीट्स बनाए। यानी ये जो है हमने इसमें यही कहा था, मेंडल ने यही जो है स्टेटमेंट दी थी कि ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन द जीन्स आर द एलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो है देखें अभी एक साथ ही हैं इस पेरेंट में, लेकिन जब ये गैमीट्स बना रहे हैं तो ये ये एलील अलग सेल में चला गया, अलग गैमीट में चला गया, और ये जो जीन है या एलील है ये अलग गैमीट में चला गया। ये दोनों इस तरह से सेपरेट हुए, सेग्रीगेट हुए, और इसी तरह से दूसरे पेरेंट के भी इसी तरह से सेपरेट हुए। अब इसमें आप देखें कि इन्होंने क्या किया, अब चूँकि अलग अलग सेपरेट सेपरेट सेल्स बने हुए हैं, गैमीट्स बने हुए हैं, तो ये गैमीट अगर जाता है और इस गैमीट के साथ फ्यूज़ होता है तो राउंड आता है, ये गैमीट अगर इस गैमीट के साथ कम्बिनेशन कर लेता है तो पेरेंट की तरह जो F1 जनरेशन का पेरेंट है ये भी राउंड होगा, फिर इसी तरह से ये वाला गैमीट जो है जो स्मॉल आर का है ये कैपिटल आर के साथ जो है वो आ जाता है तो इसका भी जो है वो राउंड आता है। लेकिन इसमें इसने देखा कि अगर ये वाला गैमीट जो है इस गैमीट के साथ यानी कैपिटल स्मॉल आर के साथ मिलता है तो इसमें जो है वो कॉम्बिनेशन चेंज हो गई और क्या हुआ कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है यानी ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट की तरह जो उसका पेरेंट प्लांट था पहले वाला उसकी तरह से जो है वो रिंग कर लाया। तो इसने इससे ये एज्यूम कर लिया मेंडल ने, बहुत स्मार्ट जो है उसका ये मूव है कि उसने ये एजम्पशन जो कर ली और बाद में जो है ये फिर एजम्पशन करेक्ट साबित हुई कि इसमें उसने देखा एक्सपेक्टेड ये था कि उसमें भी इसी तरह के तमाम राउंड आ जाएंगे, लेकिन उसने देखा कि नहीं, बाकी में जो राउंड है वो इसी वजह से डोमिनेंट और रेसेसिव की वजह से है, लेकिन इसमें से अगर ट्रू ब्रीडिंग क्वालिटी आ जाती है यानी अगर होमोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव जीन्स आ जाते हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम इस थ्योरी को ऐसे इस लॉ को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसमें इसने देखा कि 3:1 आ रही है यानी तीन प्लांट जो है वो राउंड थे जिसके मटर के दाने जो है वो राउंड थे और एक प्लांट के जो मटर के दाने थे वो रिंकल्ड थे, और इससे इसने ये साबित कर दिया कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जब गैमीट्स बनते हैं तो एलील जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के गैमीट्स में वो चले जाते हैं और फिर उन गैमीट्स की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो दूसरे पेरेंट्स के कौन से गैमीट्स के साथ मिलते हैं, और यही वजह है कि इतने सारे जो है हमें वैरायटी मिलते हैं। ये मेंडल्स की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो है ओवरव्यू है। इसमें ये जो है सिर्फ मोनोहाइब्रिड प्रोसेस में होता है, मींस के जिसमें आप सिर्फ एक वक्त में एक हीट रेट को, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ राउंड शेप या रिंकल शेप यानी